कराची में तेज़ बारिश हुई जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। लोग अबरे रहमत का मज़ा लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले हल्की बारिश हुई लेकिन थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाइस नशेबी इलाके जेरे आब आ गए और घरों में पानी दाखिल हो गया। दूसरी जानिब कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो जाने से लोगों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। इस दौरान ट्रैफिक जाम में शहरियों से लूटमार भी की गई। बारिश के बाइस एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद होने से परवाजों की रवानगी में ताखीर देखने में आई। इलावा अजी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फीडर ट्रिप कर जाने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालिया मानसून बारिश होने के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए जिसके साथ सड़कों और पुलों पर नस्त स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो गई। तर्जमान के ESC के मुताबिक कराची में बारिश के बाइस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में फीडर्स ट्रिप हो गए लेकिन टीमें सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम में मसरूफ हैं। हंगामी बुनियादों पर किए गए काम कितने देर पा होंगे ये सब जानते हैं क्योंकि रेन एमरजेंसी सेंटर की कारकर्दगी इब्तदाई बूंदों में ही बह गई और नालों की सफाई की बातें भी महज अखबारी बातें साबित हुईं। बारिश रहमत सही लेकिन बाद में जिन मसाइल और बीमारियों का सामना आवाम को करना पड़ता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है।